हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, सुबह से बज चुके हैं 8। आज हम पूरी फैमिली जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि घर में बहुत सारे काम। तो सबसे पहले आप सबको हम मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी धनतेरस। तो गाइस, मैं यहाँ बना रही हूँ सुबह ही। पहले अभी हम लोग नहाए नहीं है कोई भी, ना ही हम लोगों ने मतलब साफ सफाई की है, क्योंकि अगर हम ये सब में लग जाएंगे तो नाश्ता रह जाएगा, बहुत लेट हो जाता है हमारा नाश्ता। इसलिए हम लोग सबसे पहले बना रही हूँ मैं आज नाश्ता, खिला के फिर सारे काम करेंगे क्योंकि काम बहुत सारे हैं। इसलिए सबसे पहले करी मैं पनीर को कद्दूकस और मैं बनाने जा रही हूँ आज पनीर के पराठे। यही है वो है डुगू कबू, सबके फेवरेट है, सब खुश होकर खाते हैं। और कद्दूकस करते हैं इसको, उसको बनाऊंगी पराठे। शमी जी गए अभी वॉशरूम में, शायद वो नहा रहे हैं क्योंकि उनको जाना किसी काम से, अगर गए तो पता नहीं है पक्का भी नहा रहे कि नहीं नहा रहे। तो गए सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद पराठे बनाती हूँ, सॉरी पहले पराठे बनाती हूँ फिर नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी धनतेरस आप सबको। तो वह सुबह के बज चुके हैं 9 और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। तो आज देखो, मैंने रात को जो ऑयलिंग करी थी ना, कल अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं नहाऊंगा क्योंकि आज संडे है तो आराम से। अभी उठे भी लेट अभी काम वगैरह करना है, सफाई थोड़ी बहुत करनी है, तो उसके बाद फ्री होकर नहाते हैं। तो अभी फटाफट करते हैं पहले ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी, आज है चाय पराठा, ये चाय और वो परांठे, पनीर के परांठे, और सारी टीम बैठ गई है खाना खाने। तो मैं भी करता हूँ अभी अपना खाना शुरू, उसके बाद करते हैं कुछ काम, देखते हैं। आज संडे है तो पूरा दिन घर में ही फ्री है। और हैप्पी दिवाली आप सबको। और आज धनतेरस है तो लोग कुछ कुछ खरीद के लाते हैं अपने घरों में, तो हम भी जाते हैं मार्केट में कुछ छोटी सी चीज़ को ले आएंगे। हे गाइस, तो दोपहर के बज चुके हैं 2 और सुबह से हम मतलब 9:30-10 बजे से हम सफाई करने लगे थे, पूरे घर की सफाई करी फिर से आज पूरा, इन्होंने क्लीन किया सारा कुछ। और अभी 2 बज गए, अभी सारे नहा कर हो चुके हैं फ्री, सब नहा लिए, सब ने नहा लिया। डुगू ने, कबू ने, कबू बीमार था 1-2 दिन से, उसको एक एक दिन छोड़ के नहा रहे थे, आज उसको भी नहा दिया। अब तो उसको ही अच्छे तरीके से साफ किया, एक दिन से ना बिल्कुल गंदा बना बैठा था। और यहाँ इन्होंने कपड़े वगैरह आज सारे धो दिए, सारे फूड मैट्स, रग से लेके हर एक चीज धुल गई है, मैट मूट सारे धो दिए। तो आप सब लोगों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी धनतेरस। और अभी हम जाएंगे मार्केट में धनतेरस की कुछ छोटा सा सामान शॉपिंग करके लाएंगे, और साथ में कल दिवाली है, दिवाली का सामान भी लेके आएंगे, लाना है ना। हाँ, कल बहुत रश होगा, आज भी बहुत रश होगा, रश तो वैसे ही चला, लेकिन हम दिन को चले जाएंगे, दिन को इतना रश कम होता है, थोड़ा शाम को ज्यादा आता है। और पहले पिएंगे अभी हम चाय, तो अभी बन गई है गर्मा गर्म यहाँ चाय, तो चाय पी के फिर निकलते हैं। चाय पीने के बाद फिर निकलते हैं, आज किचन की भी पूरी सफाई करी इन्होंने, तो बस अब चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं मार्केट। तो फिर मिलते हैं आपको मार्केट में मिलेंगे, फिर उसके बाद घर में आपको दिखाएंगे हम क्या लेके आए हैं, तो बने रहे हमारे साथ ब्लॉग एंड तक। हे गाइस, तो फाइनली हम हो चुके हैं रेडी और अभी हम निकल रहे हैं मार्केट। तो ये देखो, आज मुझे शमी जी लेके दे रहे हैं बहुत ही स्पेशल चीज, कुछ गोल्ड का। क्या ऐसा मैं बोल रही हूँ, इन्होंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, कुछ गोल्ड का स्पेशल सा लेके दे रहे हैं, भले छोटा सा ही लेके दे रहे हैं, खुद से बनाया है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, पर लेके दे रहे हैं गाइस। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ भी, आप लोग देखिए मैं गोल्ड की क्या शॉपिंग करती हूँ, बहुत ही प्यारी सी चीज मैं लेने वाली हूँ। और अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, कैसे डाली ना आपने, खा ली हूँ। तो गाइस चलिए आप हमारे साथ, देखते हैं शमी जी मुझे क्या गिफ्ट देते हैं, वो भी गोल्ड का। तो निकलते हैं हम घर से, टाइम काफी हो गया, 3 बज गए हैं, फटाफट होके आते हैं, शाम तक 5-6 बजे तो वापस पहुंच ही जाएंगे, इतना रश है। तो गाइस मिलते हैं अब आपको मार्केट। तो गाइस रश काफी आया यहाँ पे, देखो अभी हम यहाँ पे लगाए थे, बाकी सारी मार्केट हमने पैदल घूमी है, तो आधी हमारी शॉपिंग हो गई है, आधी रह गई है, लेकिन अभी बस निकलते हैं हम घर की तरफ, घर पे जाते जाते रास्ते में देख लेंगे बाकी सामान। रास्ते में यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखो। तो गाइस यहाँ पे ले लिए, हो गया सामान, कितना लिया, क्या क्या लिया, क्या क्या लिया, एक पतीला ले लिया हमने और एक स्कूल बैग भी ले लिया मैंने, एक ही मैंने अपना ज्वेलरी भी रखने के लिए ले लिया। और ये डब्बे कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। डब्बे किस लिए लेने, कुछ आ जाते काम, हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह से रहते हैं बाहर, देखो फ्रूट लग रहे हैं।
नहीं हाँ अभी नहीं ऐसे ही हैं किसे सो रहे हैं बिल्कुल ढीले हैं अच्छे नहीं हैं इतने ढीले हाँ ये लेते हैं यार फ्लावर घर के लिए ये वो हमारा लक्ष्मी फ्लावर खराब हो गए ले लेते हैं इतनी सुंदर सुंदर आते हैं ये भी ले रहे हैं बेकार जैसा अच्छे से लेंगे ना अच्छा है भी इतना अच्छा था अच्छा लगा मुझे ठीक है तो ले लो एक ले लेते हैं कोई पहले बकेट ले आओ ना आप मेरे के सामान पकड़ा चलो तो जाहिर हमने बकेट नहीं ली है इनको ऐसे हाथ में पकड़ाया हमने सामान चलो मैं बकेट लेके आया पहले चलो ठीक है तो गाइस आधे से ज़्यादा हमारी शॉपिंग हो गई है यहाँ देखो ग्रोसरी ही ग्रोसरी गाइस मैंने लिए गोल्ड के नोज अच्छी और मैंने पहन भी लिए झाड़ू झाड़ू लेना है हमको जरूरी सबसे चलो देखते हैं इधर देखे पीछे आ जाओ हेलो गाइस तो फाइनली हम लोग मार्केट से घर पहुंच चुके हैं और बाय गॉड से इतना रश था मार्केट में कि हालत ख़राब हो गई और ये रहा हमारा सामान जो हम लेके आए हैं और ये रहे बहुत क्यूट से फ्लावर्स जो मैं लेके आई थी क्योंकि हमारा लक्ष्मी फ्लावर ख़राब हो गया बेचारा इसके ना पत्ते नीचे से उखड़ गए पता नहीं क्या हुआ उसको तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं लेके आई हूँ ये सब ये लेके आई मैं दो ट्रे हमारे घर में से उसमें कोई भी ट्रे नहीं रही थी बहुत ही सुंदर है ना चार बॉक्सेस इसको मैं बाद में सेट करूंगी मैं लाई हूँ किचन साफ करने के लिए और लाई बच्चों को खाने के लिए ब्रेकफास्ट अलग अलग फ्लेवर है एक चॉकलेट है और एक पाइन एप्पल फ्लेवर है और ये रहा क्या ये स्पून डालने के लिए सर और लगाए सबसे ज़रूरी चीज़ ऐसा मेरी मम्मा ने बोला था मुझे कि जो भी बर्तन लाओ घर में उसमें धनिया डाल के लाओ तो देखो मैं लाई हूँ इसमें धनिया डाल के और ये है हमारा क्या आज भूल गई है धनतेरस का बर्तन अब क्या करेंगे पूजा करेंगे इसकी जो भी करते हैं देखूंगी और गाइस नोज पिन तो आपने मेरी देख ही ली जो मैं लेके आई हूँ और ये रही हमारी आज की शॉपिंग और रह गया क्या सामान अभी मंदिर से जाने के लिए फूल रह गए और झाड़ू रह गया और दरवाजे के बाहर लगाने के लिए भी वो जो लगाते हैं वो भी रह गया और अभी जाएंगे हम फिर से मार्केट में क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा रश था वो शॉप ऐसे झुंड भर बना था वहाँ पर लोगों का अभी देखते हैं अगर थोड़ा सा खाली होगा तो अभी लेके आएंगे सामान चलते हैं फिर से मार्केट और बच्चा पार्टी देखो यहाँ सुबह इतनी सफाई करी थी लोगों ने फिर से गंद डाल दिया है क्या हो क्या रहा भाई साहब ये शर्ट आप सारे कपड़े इकट्ठे कर देना क्योंकि सारे कपड़े सूख गए हैं गेस्ट रूम में रख लेना मैं आते सारे तय करूंगी आपका काम बस उठा देना सारे ठीक है तो हम लोग होके आते हैं अंधेरा होने से पहले क्योंकि सारे पाँच हो गए हैं छः साढ़े छः बजे अंधेरा हो जाएगा सात साढ़े छः बजे कोशिश करेंगे हम लोग वापस आने की बहुत आ रही है आप लोगों ने मैगी खा ली हाँ मैंने खा ली मम्मा इनको पता क्या करता है पहले कहता है हाँ मेरे को खानी फिर वेजिटेबल देख के कहता है मैंने कहने नहीं खानी मुझे नहीं खाई इसको दूध दे दो प्लीज एक गिलास और हम कुछ बाहर ही खा लेंगे मोमोज वगैरह वाले पैक करके नहीं मत पैक करो अकेले ना मेरा पेट ऑलरेडी फुल है हम कल ही आऊंगा बेटा ओके चलो गाइस निकलते हैं फिर से मार्केट में तो गाइस घर से निकलते ही खाए जा रहे हैं मोमोज गर्मा गर्म देखते हैं वाइट वाली चटनी नहीं अच्छी सॉस नहीं अच्छी होती है तो अभी लग गई थी भूख तो फटाफट खाते हैं उसके बाद निकलते हैं ठीक है एक लगवाया बर्गर यहाँ से एक नूडल्स बर्गर खाते हैं एक नूडल्स बर्गर ठीक है मैं खा लूँगा थोड़ा सा शॉपिंग करने के बाद आ चुके हैं घर और घर आते पी रहे हैं पहले खा रहे हैं ये स्वीट कॉर्न्स और खा रहे हैं साथ पी रहे हैं साथ में चाय उल्टा क्यों बोल रही हूँ मैं कि खा रहे हैं स्वीट कॉर्न्स और पी रहे हैं चाय एक्चुअली ऐसा नहीं है चाय पी रहे हैं और स्वीट कॉर्न्स खा रहे हैं बस बहुत ज्यादा थक गए हम लोग क्योंकि बहुत रश था मार्केट में बहुत ही ज्यादा भीड़ चलने को नहीं था पैदल घूमे हम आधे तो स्कूटी तो हम लोग एक्टिवा हम लोगों ने बाहर ही लगा दी थी हाईवे पे और हम लोग पूरा मार्केट जो पैदल घूमे पैर इतना थक गए और सबसे बड़ी बात ठंड ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी ना कि लोग कुछ लोग स्वेटर्स पहन के घूम रहे थे ना और स्कूटी हो गया मौसम चेंज हो गया अब हाँ तो गाइस अभी पीते चाय लो खा लो आप भी डिनर का भी कोई पता नहीं है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है हम पटाखे भी लेके आए हैं एक दो पटाखे भी जलाएंगे
तो क्योंकि आज छोटे और मैंने नोज पिन दिखाई थी ना, पर एक बात बोलूं, हम लोग अभी मतलब सोचते हैं ये कि धनतेरस जब हम छोटे होते थे तब तो हमको ऐसा कुछ पता नहीं होता था, हमारे लिए तो आज का दिन होता था छोटी दिवाली और पटाखे चलाओ, पर अब हम थोड़े बड़े हो गए, थोड़े नहीं बहुत बड़े हो गए हैं, तो अब हम मनाते हैं धनतेरस। हम त्यौहारों को पता चल रहा है ना, हमें तो पता नहीं था धनतेरस क्या होता है। और हमारे वहाँ ज्यादातर लोग यही बोलते थे कि छोटी दिवाली है छोटी दिवाली है। तो गाइस कई लोग तो व्रत भी रखते हैं आज। हाँ तो गाइस हैप्पी छोटी दिवाली, और अभी हम लोग छोटी दिवाली में एक दो पटाखे जलाएंगे, पहले खा लेते हैं चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं 10 मिनट में। हे गाइस, तो मैं अभी कबू को डराने वाला हूँ, देखता हूँ कबू डरता है कि नहीं। कबू बैठा है दूसरे रूम में अकेला, तो अकेला बैठा है, मैं इसे बैलून फोड़ूंगा उसके पास, देखते वो डरता है कि नहीं। तो साइड से देना ठीक है, देख लेना यहाँ से मुझे। ये क्या कबू डरा ही नहीं, मैंने सोचा ये डरेगा, ये डरा ही नहीं, उल्टा तो डरेगी नहीं। पापा कब पापा, ये क्या उल्टा डुब्बू डरेगी जिसने कैमरा पकड़ा। मैंने कबू को डराने की कोशिश की लेकिन कबू तो बहुत स्ट्रांग है यार, तो भाई साहब तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन ये क्या था, मेरे को भी डर लगा। क्यों डरपोक क्या, देखो उसको चूं तक नहीं किया उसने, बड़े होशियार हो तुम तो, क्योंकि वो कार्टून में व्यस्त था। तब भी जब बंदा व्यस्त होता है तभी तो डरता है, एकदम से डम मुझे। और तुम तो बड़ी स्ट्रांग निकले। पापा ये कुछ अजीब नहीं हुआ, कबू के बदले का डर मेरे को मिल गया। चल ठीक है। हे गाइस, तो रात के बज चुके हैं 10:30 और आज का दिन काफी मजेदार था। पूरा दिन हम घूमे इधर उधर, पूरा दिन नहीं मतलब दोपहर के बाद, हम पहले पूरा दिन आज ऐसे निकल गया है। पहले आधा दिन हमारा सफाई में निकल गया, आधा दिन हमने शॉपिंग वगैरह जो सामान थोड़ा बहुत लेके आए वहां निकल गया। तो अब खाना पीना हो चुका है हमारा रेडी, तो ये देख सकते हैं आप, अभी बनाया है सिंपल दाल चावल, कबू के फेवरेट दाल, ब्राउन वाली दाल और चावल। तो खाना खाते हैं अभी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, कल छुट्टी है बच्चों को, फिर भी खाना खाते हैं, टाइमली सो जाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठेंगे तो थोड़ी सफाई वगैरह। अभी फिर से गाइस देख सकते हैं आप, बच्चों ने बैलून ही बैलून कर दिए यहाँ पे, फिर से इतना गंद डाल दिया कि पूछो मत यार, खत्म कर दो ये बैलून। कबू चिल्ला मत भाई, इसके अंदर और कौन सा कलर है सिवाय ब्लू के? हैं ब्लू के और कौन सा कलर है इसके अंदर? है ग्रे। कैसे पता चला? मुझे पता है भाई, नहीं पता है क्या तो गाइस देख सकते हैं ये बच्चे बहुत बहुत शोर मचाता है तू कबू। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो को करते हैं हम इसी के साथ एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली सबको, बाय बाय गाइस, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको सबको हैप्पी दिवाली।